नाप जो करने पहुंची राजस्व टीम पर मिली भगत का आरोप। अवैध कब्जे के स्थान पर लगाए निशान लेकिन नहीं हटवाया कब्जा। फफुंदरैया थाना क्षेत्र के भेसौल गांव में परिषदी विद्यालय पर अवैध कब्जे की प्रधान की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार के निर्देश पर गांव पहुंची राजस्व टीम ने जगह की नापजोक की और अवैध कब्जे के स्थान पर निशान लगवाए। इस दौरान अवैध कब्जा धारकों में खलबली मची रही। प्रधान और ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर आरोप लगाते बताया कि शुक्रवार को नायब तहसीलदार भी गांव आए थे और नोटिस देने का आदेश दिया, लेकिन एक राजस्व कर्मी की मिलीभगत से नाप के नाम पर लिपापोती की गई और अवैध कब्जा नहीं हटाया। भेसौल गांव के परिषदी विद्यालय की बेशकीमती जमीन पर गांव का एक दबंग अवैध कब्जा किया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी राजस्व विभाग की मिलीभगत से कोई कार्यवाही नहीं होती, जिसकी वजह से दबंग ने अवैध निर्माण की नियत से ईंट भट्टा मंगवा कर रख लिया, जिसे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। 10 दिन पूर्व ग्राम प्रधान साधना सिंह ने भी जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अवैध कब्जे की शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्कूल की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और कोई कार्यवाही न होने ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए नायब तहसीलदार बिदुना पीयूष साहू गांव पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद राजस्व कर्मी को निर्देश दिया कि 2 दिन में कब्जा हटाने का नोटिस दें और जगह खाली नहीं करने पर कार्यवाही करें। नायब तहसीलदार के आदेश पर राजस्व कर्मी ने कोई अमल नहीं किया। ग्रामीण सत्येंद्र कुमार, बालक राम, राकेश कुमार आदि लोगों ने यह आरोप लगाया। साथ ही जमीन की नापजोक की विद्यालय जमीन पर कब्जे के स्थान पर चिन्ह भी लगाया, लेकिन कब्जा नहीं की गई। भूमिका पर आक्रोश जाहिर करते हुए बताया इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को फैक्स द्वारा की गई। इस संबंध में क्षेत्रीय कानूनगो राम नरेश गुप्ता ने बताया कि विद्यालय की जमीन की नापजोक की गई और चिन्ह लगा दिए गए, जिसकी रिपोर्ट नायब तहसीलदार विधना को भेज दी। उच्च अधिकारियों के आदेश मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिल।